गुरुद्वारा मणिकरण साहिब मणिकरण नाम की जगह पर पार्वती वैली में पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। ये गुरुद्वारा साहिब सिखों और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और आकर इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं। श्रद्धालु सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने नतमस्तक होते हैं और इस हॉल में बैठकर गुरु जी की वाणी सुनते हैं। गुरुद्वारा साहिब की दीवारों पर लगी ये तस्वीरें हर धर्म के एक समान होने का उदाहरण पेश करती हैं। अपनी तीसरी उदासी के वक्त श्री गुरु नानक देव जी यहाँ भाई मर्दाना जी के साथ आए थे। एक दिन जब गुरु नानक जी परमात्मा की भक्ति में लीन बैठे हुए थे कि तभी भाई मर्दाना जी को जोर की भूख लगी। भाई मर्दाना ने जब ये बात बाबे नानक को बताई तो बाबा जी ने उन्हें पास के गांव से लंगर का सामान लेकर आने के लिए कहा। जब भाई मर्दाना जी लंगर का सामान लेकर लौटे तो उनके पास आटा चावल दाल तो थे पर ना तो आग जलाने का सामान था और ना ही लकड़ी। तभी श्री गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को थोड़ा सा सरकाया तो उसके नीचे से एक गर्म पानी का चश्मा फूट आया। अब गुरु जी ने भाई मर्दाने को रोटी बनाकर पानी में डालने को कहा। जब रोटी बनाकर चश्मे के पानी में डाली गई तो वो डूब गई। तभी गुरु जी ने भाई मर्दाने को उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम जपने को कहा। जैसे ही मर्दाने ने सतनाम वाहे गुरु शब्दों का उच्चारण किया तभी एक पकी हुई रोटी पानी के ऊपर आकर तैरने लगी। तब से लेकर अब तक लंगर इन्हीं गर्म पानी के चश्मों में बनता है और संगत कतार में बैठकर बिना किसी भेदभाव के लंगर खाती है। लंगर की सेवा यहाँ 24 घंटे चलती है। श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए बनाया गया है ये सरोवर। इस सरोवर में आने वाला गर्म पानी इन्हीं चश्मों से आता है। इस गर्म पानी में कुछ ठंडा पानी मिलाकर उसको स्नान लायक बनाया जाता है। सरोवर के इस पानी से अनेकों प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक गर्म गुफा भी है जिसमें श्रद्धालु कई कई घंटे बैठकर ध्यान लगाते हैं। इसी गुफा में बैठकर ब्रह्मज्ञानी संत बाबा नारायण हरि ने भी तपस्या की थी। गुरु नानक चरण छो प्राप्त इस जगह को संत बाबा नारायण हरि ने 1937 के आसपास ढूंढा और यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया। गुरुद्वारा साहिब के साथ में ही है शिव पार्वती का प्राचीन मंदिर। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती कुछ दिनों के लिए इस जगह पर ठहरे थे। एक दिन जब माता पार्वती नदी के किनारे सैर कर रही थी तो उनके कान का एक कुंडल जाकर नदी में गिर गया। माता पार्वती ने कुंडल के गुम होने की बात जब भगवान शिव को बताई तो उन्होंने अपने भक्तों को कुंडल ढूंढने के लिए भेजा। भक्तों के बहुत ढूंढने पर भी वह कुंडल ना मिला क्योंकि वह कुंडल तो पाताल लोक में शेषनाग के पास था। तभी गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। शिव का विकराल रूप देखकर शेषनाग ने पाताल लोक से जब वो कुंडल बाहर फेंका तो उस कुंडल के साथ नीचे से ये गर्म पानी के चश्मे भी फूट पड़े। चंडीगढ़ बिलासपुर मंडी भूंतर से होते हुए 300 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुँचा जा सकता है। मणिकरण साहिब में ही है ये खूबसूरत मार्केट। यहाँ पर यात्रियों को उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। आप जब भी मनाली घूमने आए तो मणिकरण साहिब की इस पवित्र धरती पर जरूर आए।
To watch best Indian travel documentaries, subscribe to our channel, Film Frame Art.